उत्तराखंड में चुनाव को लेकर भाजपा नेता खासे उत्साहित दिख रहे हैं और इस बार भी पांचों सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा किसान मोर्चा से सुशील चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। इस दौरान किसान नेता ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर रमेश पोखरियाल निशंक की जीत के दावे कर पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलने की बात। जी चौहान साहब, क्या देखते हैं इस बार, जनता किसे चुनने जा रही है? जनता तो पूरी तरह से मोदी जी के ही अनुसरण कर रही है। मोदी सरकार है, भाजपा के लोग, भाजपा से लोग प्रसन्न हैं। मोदी जी पुनः आ रहे हैं, बहुत भारी मत उठा रहे हैं, पिछली बार से बहुत ज़्यादा लोग प्रसन्न हैं। अब तो भाजपा ही भाजपा नज़र आ रही है, मोदी ही मोदी नज़र आ रहा है। चाहे प्रत्याशी थोड़ा बहुत वैसे भी है कहीं और दूर दराज में, हमारे यहाँ तो प्रत्याशी अच्छे हैं, अगर वो है तो भी वो मोदी जी को देख रहे हैं लोग बाग देहात। तो अगर कांग्रेस की बात करें, वो लगातार तीखे प्रहार कर रही है कि मोदी सरकार में कोई भी कार्य किसानों के हित में नहीं हुआ है। कांग्रेस तो झूठ का पुलंदा है। कांग्रेस अपने 65 साल के 67 साल के कार्यकाल में कुछ तो दिखाएगा किसानों के लिए, क्या आएगा बजट अलग बनाए इतने लंबे साल में, केवल धोखा देने के अलावा कुछ क्या ही नहीं, लोगों का केवल बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम किसानों के साथ को ऐसा मुझे बता दिए इतने बड़े कार्यकाल में किसानों के लिए इन्होंने क्या किया आज तक। हरिद्वार सीट की बात करें, फाइट कहाँ देखते हैं? देखो तो हरिद्वार सीट जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस से देखो, नहीं कांग्रेस सपा दोनों ही फाइट से बाहर है। यहाँ लोगों में जुनून है और सपा बसपा का तो यहाँ अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, वो इकट्ठे लड़ रहे हैं, उनका मन को अपने शांति देने के लिए लड़ रहे हैं। और भाई बात जहाँ तक कांग्रेस की, अगर कांग्रेस में यहाँ कुछ दम होता, क्या हरीश रावत यहाँ से भागते क्या, बताइए आप? अगर कांग्रेस को कहीं नजर आता, हरीश रावत को कुछ तो नजर आता, वो यहाँ रहते ना, वो यहाँ छोड़ के भागे तो भागे हैं, जबकि पहले चुनाव से पहले हरिद्वार में पूरा समय दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वे करवाया, उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, छोड़ के भागे और जबरदस्ती अपनी थोबिया भाई चल, जब नहीं कोई मजरा